हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेलकम कार न्यूज़। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाटा की पांच गाड़ियाँ जिनके 2020 इस साल फेसलिफ्ट लॉन्च हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि टाटा की गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैं आपको पाँच गाड़ियाँ दिखाऊँगा जो कि BS6 इमिशन के साथ लॉन्च हुई। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली कार है टाटा टियागो। टियागो एक 5 सीटर हैचबैक कार है। टियागो में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी ट्रांसमिशन मिले। सो फ्रेंड्स, हमारी सेकेंड कार है टाटा टिगोर। टिगोर एक 5 सीटर सेडान कार है जिसमें कि आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, वो ऑटोमेटिक और मैनुअल में भी अवेलेबल है। और कार का माइलेज मिलेगा आपको 20.3 km का। सो फ्रेंड्स, हमारी तीसरी कार है टाटा नेक्सॉन। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि ग्लोबल एनकैप ने नेक्सॉन को 5 स्टार रेटिंग दी है सेफ्टी में। तो इस कार में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में मिल जाते हैं। माइलेज है गाड़ी का 21.5 km और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। सो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कार भी 5 स्टार रेटेड कार है जो कि है टाटा अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज आप पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ मिलेंगी जो कि 1.5 लीटर में आएगा और ये कार आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट कार है जो कि लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी है जो कि टाटा हैरियर। टाटा हैरियर बहुत मस्कुलर है और ये आपको डीजल इंजन में मिलेगी जो कि 2.0 लीटर डीजल इंजन। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलेंगी और इसकी माइलेज है 17.1 km। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता है टाटा एक इंडियन ब्रांड है और टाटा आपको बहुत ही बेहतरीन